मनपा द्वारा 11 समितियों पर नए सभापतियों की नियुक्ति की गई है, जिसकी जानकारी सत्ता पक्ष नेता संदीप जाधव द्वारा पत्र परिषद में दी गई है। मनपा द्वारा 11 समितियों पर सभापतियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें अग्निशमन विद्युत विभाग पर दीपक चौधरी को नियुक्त किया गया है, जल प्रदाय विभाग पर संदीप गवई, शिक्षा समिति के लिए दिलीप दिवी, वैद्यकीय और आरोग्य विभाग पर संजय उर्फ महेश महाजन, दुर्बल घटक विभाग पर कांता लारिकर को सभापति के तौर पर नियुक्त किया गया है। माननीय महापौर जी यांनी विशेष सभेमध्ये केली आहे, त्यामध्ये शिक्षण विशेष समिति दिलीप दिवे यांच्याकडे ती जबाबदारी पुन्हा देण्यात आली आहे। दुसरा स्थापत्य व प्रकल्प समिति राजेंद्र सोनकुसरे यांच्याकडे ती जबाबदारी देण्यात आली आहे। जलप्रदाय विशेष समिति आमचे ज्येष्ठ नगरसेवक संदीप जी गवई यांना ही जबाबदारी दिली आहे। कर आकारणी व कर संकलन विशेष समिति महेंद्र धनविजय यांना दिली आहे। विधी व सामान्य प्रशासन विशेष समिति ॲडव्होकेट मीनाक्षी तेलगोटे याच्या आधी पण त्या उपसभापति होते, यांच्याकडे ती जबाबदारी दिली आहे। क्रीडा व विशेष समिति प्रमोद तभाने यांच्याकडे जबाबदारी दिली आहे। महिला व बाल कल्याण विशेष समिति आमच्या ज्येष्ठ नगरसेविका आणि प्रतोद दिव्यताई धुर्डे यांच्याकडे ती जबाबदारी दिली आहे। गलिच्छ वस्ती निर्मूलन व घरबांधणी विशेष समिति आमचे हरीश डिकोंडवार यांच्याकडे ती जबाबदारी दिलेली आहे। अग्निशमन व विद्युत विशेष समिति दीपक चौधरी यांच्याकडे जबाबदारी दिली आहे। साथ ही स्टँडिंग कमिटी से बीजेपी के 5 सदस्य निवृत्त हुए हैं, जिनमें प्रकाश भोयर, संजय बालपांडे, सुषमा चौधरी, प्रगति पाटिल, भारती बुंदे, तो उन्हीं जगहों पर भाजपा के 5 सदस्य, कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य, बहुजन समाज पार्टी के 1 सदस्य, ऐसे कुल 8 नए सदस्य की नियुक्ति की गई है, जिनमें बीजेपी से प्रदीप पुहाने, यशश्री नंदनवार, विक्रम ग्वालवंशी, वंदना भगत, संजय चौरी, कांग्रेस से गार्गी चोपड़ा, दिनेश यादव और बहुजन समाज पक्ष से इब्राहिम तौफिक अहमद, ऐसे नए सदस्यों की 2021-22 के लिए नियुक्ति की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।